हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉलेज और एंटरटेनमेंट चैनल। और आज इस वीडियो में मैं टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं कि हम अपनी गाड़ी से प्रॉपर माइलेज जो है वो कैसे लें। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं वीडियोस पे, जैसे कि नई गाड़ी ली है मैंने और माइलेज अभी 8 आ रही है, 10 आ रही है, 11 आ रही है, जबकि कंपनी 20-22 क्लेम कर रही है। कुछ पुराने जो जैसे कुछ पुरानी गाड़ियों वाले भी कमेंट करते हैं कि माइलेज कैसे लें, या लोग इंटरेस्टेड रहते हैं चीज़ के लिए कि अगर हमारी गाड़ी माइलेज अच्छा दे तो बेटर है सबके लिए। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं माइलेज के लिए, बट मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि एक फर्स्ट पॉइंट कि हमारा जो है ग्रेजुअल एक्सलरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअल मींस कि एक समान आप झटका दे के एकदम से या सडन उसको एक्सलरेशन करेंगे तो वो माइलेज नहीं आती है। दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो आरपीएम मीटर होता है जिसको हम टेक्निकली टैकोमीटर बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आरपीएम दिए गए हैं और RPM is equal to 1000 means जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है तो 1 multiply by 1000 2 multiply by 1000 तो ये 1000 2000 3000 8000 तक जो है वो तो पेट्रोल गाड़ी है इसमें अलग होते हैं, डीजल गाड़ी में RPM अलग होते हैं, कम होते हैं। तो अभी विद रिस्पेक्ट टू RPM के हमें कितने RPM पर जो गाड़ी चलानी चाहिए और कितने RPM पर जो हमें गियर सेट करना चाहिए, गियर चेंज करना चाहिए जिससे हमारी जो है प्रॉपर माइलेज आए। और ग्रेजुअल एक्सलरेशन कैसे करना है विद रिस्पेक्ट टू RPM जिससे हमें प्रॉपर माइलेज मिलती है। तो लेट्स सी, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो आप अभी देखेंगे कि अभी जो मैं गाड़ी स्टार्ट की हुई है और अभी गाड़ी खड़ी है, अभी मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। तो आप देखोगे कि RPM जो है वो 1 से नीचे है, अराउंड मेट्रोल गाड़ीज़ का 1000 तक RPM तक जो है वो रहता है, 1000 से 800 टू अराउंड 1000 RPM के बीच में जो आइडल मोड पे जो है वो रहता है। अभी प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि अभी मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा तो मैं ग्रेजुअल इंगेजमेंट क्या है इसमें, कि जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट करी और अब मैं धीरे धीरे, अब देखो आप 2000 पे चला गया तो मींस 2000 पे आपको जो है वो गियर शिफ्ट कर रहा है। मैंने दूसरा गियर शिफ्ट कर चुका है, अब दूसरे गियर के बाद अब थर्ड गियर, मतलब जैसे ही 2000 RPM के पास पहुंच रही है इट मींस यू हैव टू चेंज योर गियर। अब नेक्स्ट फोर्थ गियर 2000 के बाद, अभी हाईवे है तो इसलिए मैं फिफ्थ गियर भी यूज़ करूँगा। बोलने का मतलब ये है, ग्रेजुअल इंगेजमेंट ये है कि आप इतना एक्सलरेशन दीजिए कि आपकी गाड़ी 2000 RPM के ऊपर ना जाए। अगर आपकी गाड़ी 2000 RPM के ऊपर जा रही है मींस जैसे आप गियर चेंज करती बार फर्स्ट सेकंड, तो इट मींस आप जो है वो ग्रेजुअल एक्सेलरेशन नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से जो ऑयल है आपका वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। स्टार्टिंग में RPM जैसे आप फर्स्ट गियर सेकंड गियर लगाओगे तो एकदम से RPM राइज होते हैं और 2000 तक जाते हैं। जितना लो गियर होगा उतने कम RPM, उतने ज़्यादा RPM रहेंगे, जितना हाई गियर होगा उसके अकॉर्डिंग RPM भी। अभी आप देखोगे कि मैं 50 के तक स्पीड पे जा रहा हूँ और RPM हमारे अभी हैं 1500। अगर वैसे ही मैं अगर इसको डाउन ले गियर में ले आऊँ, जैसे दूसरे तीसरे गियर पर ले आऊँ, तो RPM जो है वो एकदम से बढ़ जाएंगे और स्पीड हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा टॉर्क और ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है हमारे लो गियर्स में। सो इसलिए ये चीज़ होती है, जितना हाई गियर होगा उतना RPM जो है वो कम रहेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा कि लो गियर पे RPM जैसे एकदम से सडन कैसे इंक्रीज होते हैं। तो अभी गाड़ी मैं फिर से रोकता हूँ यहाँ पर, मैं न्यूट्रल पे ले आया हूँ, उसको खड़ी कर दिया, मैं दोबारा से फर्स्ट गियर डालूंगा। फर्स्ट गियर पे आप देखना अभी RPM एकदम से ऊपर चले जाते हैं, तो आपको ये चीज़ कंट्रोल करनी है कि जब फर्स्ट सेकंड गियर आप लगाते हो तो ग्रेजुअली एक्सलरेशन करें, मींस स्लोली एक्सलरेशन करें और ये देखें कि RPM 2000 के ऊपर नहीं जाता। ये था बिगिनर्स के लिए। बेसिकली जो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इसमें गाड़ी की आवाज़ आपको, क्योंकि अगर बार बार RPM तो देखने से रहे, ये तो मैं सिर्फ आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ, तो गाड़ी की आवाज़ से ही आपको पता लग जाता है कि RPM कितने जा रहे हैं अभी इस वक्त और मुझे गियर चेंज करना है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, जितने आप गाड़ी चलाओगे उतना आपको आएगा। बट बेसिकली जो स्टार्टिंग जो बिगिनर्स होते हैं, लर्नर होते हैं, उनका जो मेन जो फंडा है सीखने का या
नोट करने का इस चीज़ को, इससे आपकी माइलेज जो है वो बिल्कुल 100% प्रॉपर आएगी, जितना गाड़ी में उससे थोड़ा कम आ सकती है, बट आपकी गाड़ी जो है वो जितना इसका इंजन कैपेसिटी है उसके हिसाब से पूरी जो है माइलेज आपको ये निकल कर आएगी। आई एम श्योर अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपकी माइलेज बिल्कुल इम्प्रूव होगी। आप प्रैक्टिकली करके देखिए, और अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए। सो थैंक यू सो मच।